ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS प्रिलिम्स लॉकडाउन सीरीज में ज्योग्राफी देख रहे हैं और इस ज्योग्राफी में हम लोग बेसिकली साइक्लोन्स के बारे में बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। इस साइक्लोन में हम लोगों ने सबसे पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बात किया एंड देन थंडरस्टॉर्म एंड रिलेटेड इवेंट्स के बारे में बात किया। कल हम लोगों ने नेमिंग ऑफ साइक्लोन के बारे में बात किया और आज हम लोग इस साइक्लोन टॉपिक का लास्ट टॉपिक टेम्परेट साइक्लोन डिस्कस करेंगे और फिर आगे हम लोग क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करेंगे। 15 क्लाइमेट के बारे में हम लोग बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड द बुक विल बी GC लियोंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है क्लाइमेट को लेकर के। फिलहाल फटाफट शुरू करते हैं हम लोग टेम्परेट साइक्लोन। तो देखते हैं टेम्परेट साइक्लोन में क्या कुछ है एंड हाउ टेम्परेट साइक्लोन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, let us complete and let us crack, but before that these are our contact details and these are available courses on YouTube. These are Prelims special, Mains special and test series based on subscription. क्लाइमेट में ऑलरेडी हम लोगों ने इन सारे टॉपिक के बारे में बात कर लिया है और हम लोगों का आज का टॉपिक होने वाला है टेम्परेट साइक्लोन के फंडा। चलिए टेम्परेट साइक्लोन को शुरू करते हैं। देखिए टेम्परेट साइक्लोन को ही मिड लैटिट्यूड साइक्लोन या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर फ्रंटल साइक्लोन भी बोलते हैं। हालांकि साइक्लोन के बारे में हम लोगों ने जब मॉनसून के बारे में डिस्कशन किया था तब भी किया था, साथ ही साथ जब हम लोग एयर मास के बारे में डिस्कस किए थे तब भी किए थे और लास्टली जब हम लोगों ने फ्रंट फॉर्मेशन के बारे में बात किया था तब भी हम लोगों ने साइक्लोन के बारे में बात किया था। बट हम लोगों ने केवल नाम नहीं लिया था, आज हम लोग नाम भी लेंगे और इन सब का रिवीजन भी करेंगे और अल्टीमेटली हम लोग देखेंगे कि आखिर में ये जो टेम्परेट साइक्लोन है वो एक्चुअली है क्या और इसका मतलब क्या होता है। तो टेम्परेट साइक्लोन इज बेसिकली द सिस्टम डेवलपिंग इन द मिड और हाई लैटिट्यूड। मिड और हाई लैटिट्यूड का मतलब क्या हो गया? सपोज दिस इज आवर अर्थ एंड दिस इज आवर लैटिट्यूड, मतलब 0 डिग्री इक्वेटर है तो ये नियर अबाउट 66 डिग्री के नियर अबाउट में 32-35 या फिर 40 भी बोल सकते हैं आप इसको, और 66 डिग्री के बीच में ये जो रीजन होता है यही वो रीजन है जहां पर यहां से वार्म एयर मास और ऊपर से कोल्ड एयर मास आपस में आती है और यहां पर इन दोनों का एक इन्फ्लुएंस जोन होता है जहां पर ये फ्रंट फॉर्मेशन हो रही होती है। तो हालांकि इसके लिए हम लोग जब हैडली सेल देखे थे वहां पर भी हम लोगों ने चर्चा की हुई थी कि किस तरीके से पोलर वाली जो एयर मास आती है और जो एक इक्वेटर वाले साइड से एयर मास जा रही होती है अल्टीमेटली दोनों किस तरीके से एक दूसरे को इंटरफियर करते हैं। तो यही चीजें यहाँ पर सिस्टम डेवलपिंग इन द मिड एंड हाई लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स आर कॉल्ड एज टेम्परेट साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, और इस तरफ से अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसका एक इंपॉर्टेंट नाम ये भी है वेव साइक्लोन, ठीक है। देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन को केवल ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, बाकी ये जो टेम्परेट साइक्लोन इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसके पीछे रीजन है टेम्परेट साइक्लोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये टेम्परेट रीजन में होती है तो इस वजह से इसको टेम्परेट साइक्लोन बोला जाता है। क्लियर। दूसरा है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जा रहा है, क्यों? क्योंकि जिस तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन के अलावा जब साइक्लोन्स होती है तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोल देते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं वैसे ही बोल दिया था एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, मीनिंग दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बट दे आर बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो इस तरीके से वो एक्स्ट्रा, इसी तरीके से भी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन हो जाएगा जो बियॉन्ड द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो जाते हैं। मिड लैटिट्यूड साइक्लोन भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मिड लैटिट्यूड्स में हो रहा होता है तो इसको मिड लैटिट्यूड साइक्लोन बोल देते हैं। फ्रंटल साइक्लोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो फॉर्मेशन है वो फ्रंट से हो रही होती है इसलिए इसको फ्रंटल साइक्लोन बोल देते हैं। और वेव साइक्लोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर अगेन वेव नेचर देखने को मिलता है जेट स्ट्रीम का, जिसके कारण से ये साइक्लोन वेव साइक्लोन के नाम से भी जानी जाती है। तो एक आइडिया लग गया होगा कि ये सारा नाम आखिर में इसका क्यों पड़ा है। अब हम लोग जो आ जाते हैं इसके फॉर्मेशन पे। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली द वार्म एयर मास और ऊपर से कोल्ड एयर मास आ रही है और ये अमेरिका का है, अमेरिका मतलब यूएसए का रीजन है। देख सकते हैं ऊपर से पोलर इलाका होगा और इस पोलर इलाके से अल्टीमेटली कोल्ड एयर मास आ रही है और नीचे मैक्सिको का रीजन है, मैक्सिको का मतलब इक्वेटर का रीजन है और इस इक्वेटर के रीजन से वार्म एयर मास आ रही है। बट द प्रॉब्लम हियर इज दिस कोल्ड एयर मास इज लेस डेंस, और जबकि ऊपर की जो दिस इज वार्म एयर मास और ये लेस डेंस है और जबकि जो कोल्ड एयर वहां से ये हैवीली डेंस होगी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी कि ऊपर में कोल्ड एयर मास है और नीचे में वार्म एयर मास है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ स्टेबल पोजीशन बिकॉज दिस इज गोइंग टू मेक दिस इज गोइंग टू एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन दिस वार्म एयर मास एंड दिस वार्म एयर मास will try to liberate it from here and cold air mass will try to take the place of warm air mass and this is how this cyclone generate। हालांकि इसके बारे में हम लोगों ने जब हम लोगों ने फ्रंट फॉर्मेशन के बारे में बात किया था where we have talked about cold air mass या cold front के बारे में बात किया था, फिर warm front के बारे में बात किया था and then occluded front के बारे में we have discussed and the same process goes on here also in the formation of the temperate cyclone। So warm humid air masses from the tropics meet the dry cold air mass from the pole and thus a polar front is formed as a surface of discontinuity। समझ में आ गया। Such conditions occur over subtropical high subpolar low pressure belts and along the tropopause। Already we have discussed all this। The cold air pushes the warm air upward from underneath and thus a void is created because of lessening of pressure। The surrounding air rush in to occupy this void and coupled with the Earth's rotation। अब देखिए यहाँ पर चीजें क्या हो रही है और कैसे हो रही है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं ताकि आराम से आपको समझ में आ जाए। देखिए इस फोटोग्राफ को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कोल्ड फ्रंट बना हुआ है, सिमिलरली यहाँ पर वार्म फ्रंट बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि दिस कोल्ड एयर मास इज एक्सर्टिंग प्रेशर फ्रॉम द पोलर साइड। ये आ गई आपकी कोल्ड एयर मास। अभी हमने फ्रंट नहीं बनाया, कोल्ड एयर मास आ गई है और नीचे से वार्म एयर मास है जो कि कह लीजिए कि इक्वेटर साइड से आ रही है या फिर ट्रॉपिकल साइड से आ रही है। दिस इज वार्म एयर मास। अब ये दोनों एक दूसरे के इंटरफेयर करेंगे, दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और अल्टीमेटली एक इस तरीके का केस बन जाएगा जहां पर ये कोल्ड एयर मास बन जा रही होगी, सिमिलरली इस वाले इलाके में वार्म एयर मास बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एयर मास से अब ये फ्रंट बन गया। दिस इज कोल्ड फ्रंट एंड हियर इट इज वार्म फ्रंट। अगर आपको ये वार्म फ्रंट या कोल्ड फ्रंट किस तरीके से बनाए नहीं समझ में आया तो काइंडली गो विद द फ्रंटल सीरीज, फ्रंट वाले फॉर्मेशन पे चले जाइए, वहां वाले लेक्चर को पहले आप समझ लीजिए तब आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये इलाका कैसा है, दिस जो ग्राउंड है वो वार्म ग्राउंड है, ऑब्वियसली दिस इज वार्म ग्राउंड और यहाँ पर कोल्ड एयर मास लगातार एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर। सिमिलरली ऊपर का सरफेस जो है वो कोल्ड एयर, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिखे हॉरिजॉन्टली ये मूव कर रहा है और यहाँ पर ये अगेन कोल्ड सरफेस है और इस कोल्ड सरफेस पे जो एक्सर्ट कर रहा है वो कर रहा है वार्म एयर मास। ठीक है, अब ये लगातार क्या होगा, डिस्टॉर्ट करना शुरू कर देगा। मतलब कोल्ड एयर मास ऑब्वियसली हैवी है और हैवी है तो आगे बढ़ता जाएगा एंड वार्म एयर मास इट विल आल्सो ट्राई टू एक्सपैंड इट्स एरिया, लेकिन वार्म वाली स्लो चलेगी, कोल्ड वाली फास्ट चलेगी बिकॉज ऑफ हैवीली डेंस। अगले प्रोसेस में क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस, दिस इज सपोज फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 2 में क्या होगा कि ये जो कोल्ड एयर मास था वो आगे बढ़ गया है अपने इस वाले पोजीशन से, यहाँ पे मान लेते हैं पोजीशन थी, and it has extended from here to here। और उसी तरीके से वार्म एयर मास भी मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे चल रही थी तो ये एक्सटेंड होकर के और आगे बढ़ जाएगी, यहाँ चली जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इतना एरिया है दिस हैज बीन डेसिपेटेड, ये जो है वो डेसिपेट हो गया, मतलब कि ये एरिया ऑक्लूड हो गया है, हो गया है कि नहीं हो गया है, दिस हैज बीन ऑक्लूडेड एंड देन अगेन ये और प्रेशराइज करेगा, अगेन ये और ज्यादा प्रेशराइज करेगा और यहाँ से भी कोल्ड एयर अब प्रेशराइज करनी शुरू कर देंगे। आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन, दिस विल टेक अ शेप ऑफ लाइक दिस, इस तरीके का शेप ले लेगा और ये बन जाएगी कोल्ड एयर मास वाली सरफेस और ये हो जाएगी वार्म एयर मास वाली सरफेस एंड देयर विल बी सम पार्ट जो कि ऑक्लूडेड हो चुका होगा। तो ऑक्लूड हो गया तो मैंने इसको हटा दिया है। यहाँ पर क्या हो गया कि जो एयर मास है वो इस तरीके से एक राउंडेड शेप ले लेगा एंड बिकॉज ऑफ दिस राउंडेड शेप साइक्लोनिक कंडीशन विल जनरेट हियर। लेकिन ये जो साइक्लोनिक कंडीशन ऑब्वियसली दिस हैज अ लार्जर डिमेंशन, मतलब कि इसकी जो डायमीटर होगी वो कम से कम 1000 किलोमीटर की होगी। क्यों? क्योंकि 1000 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा जोन बना हुआ है, दिस जोन इज, ये पूरा का पूरा जो जोन है वो एटलीस्ट 1000 किलोमीटर का है। तो अब अगर सर्कल भी अगर यही पूरा बन रहा है तो ऑब्वियसली इसका डायमीटर भी तो रीजन के बराबर ही होगा। तो ऑब्वियसली इसका जो डायमीटर है वो काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। एंड आफ्टर द पॉइंट ऑफ टाइम होगा क्या कि कोल्ड एयर लगातार आगे बढ़ते आ रही है, वार्म एयर बढ़ते आ रही है, आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि कोल्ड वाली चीज जो नीचे आ रही है वो नीचे ही पूरी चली जाएगी, नीचे ही पूरी चली जाएगी, एंड देन वार्म वाली जो चीज है वो पूरी की पूरी वार्म ऊपर ही चली जाएगी, और इस तरीके से एक जो कंडीशन है वो एक स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा, और यहाँ पर जो साइक्लोन जनरेट हुई है वो साइक्लोन जो अल्टीमेटली डेसिपेट कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। बट इट विल टेक टाइम ऑफ वीक्स, मतलब ये 2 से 3 हफ्ते का समय लेगी, और इस तरीके से पूरी कंडीशन जो फ्रंट बना करके रखी थी वो सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को, जहां पे फ्रंट फॉर्मेशन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस। दिस इज फ्रंटोजेनेसिस। और यहाँ पर जो फ्रंट डेसिपेट हो गई है उसको बोलते हैं फ्रंटोलिसिस। ठीक है, फ्रंट यहाँ पर खत्म हो गई है। तो इस तरीके से जो ये टेम्परेट साइक्लोन होता है इसको समटाइम्स वी ऑल्सो ऑफन कॉल्ड एज फ्रंटोजेनेसिस फ्रंटोलिसिस प्रोसेस। आइडिया लग गया होगा किस तरीके से बन रही है, किस तरीके से खत्म हो रही है, और सारी चीजें क्या हो रही हैं, एंड हाउ दिस डायमेंशन इज सो लार्ज, किस तरीके से इतना लार्ज है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं जरा, इसको आप लोग नोट्स अपने बना लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वार्म एयर ब्लोज फ्रॉम द साउथ एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द फ्रंट। एक आइडिया लग गया कहां से क्या चीजें आ रही हैं, ऊपर से आ रही है कोल्ड एयर, नीचे से जा रही है जो है वार्म एयर। व्हेन द प्रेशर ड्रॉप्स अलोंग द फ्रंट द warm air moves northward and the cold air moves towards south, setting in the motion as anti-clockwise cyclonic circulation northern hemisphere. This is due to Coriolis force. अब आपको एक आइडिया लग गया बेसिकली कि यहाँ पर जो विंड है वो इस तरीके से आ रही है एंड देन इस तरीके से आ रही है, और ये हुआ कहाँ पे है, northern hemisphere में हुआ obviously, and this is what साइक्लोन, ये सर्क्यूलर जो पोर्शन है वो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, ऑब्वियसली इट इज एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। एंटी क्लॉकवाइज ये सर्कुलेशन हुई है, एंड अगेन यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द प्रेशर, दिस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द एयर विच हैज बीन taken this kind of direction due to the Coriolis force. तो एक आइडिया लग गया कि Coriolis force ने किस तरीके से इसको एक घुमाव दिया है, सारी की सारी विंड जो है वो मूव कर रही है इस तरीके से। The cyclonic circulation lead to a well-developed extratropical cyclone with a warm front and a cold front. There are pockets of warm air and warm sector which between the forward and the rear cold air or cold surface. ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें बन रही होती हैं और अल्टीमेटली सीक्वेंस ऑफ क्लाउड्स बन रहे होते हैं। अब देखिए सीक्वेंस ऑफ क्लाउड कैसे बन रहे हैं, अब मैं आपको दिखा रहा हूं सर्फ, मतलब कि फ्रंट व्यू। अब हम लोग जरा देखते हैं फ्रंट व्यू। अभी तक हम लोग टॉप व्यू देख रहे थे, अब हम लोग जरा देखते हैं फ्रंट व्यू। अरे टॉप व्यू देखेंगे तभी ना पूरा का पूरा ये सिस्टम जो होती है वो डायमीटर बनेगा और इस तरीके से मूवमेंट होगा, होगा कि नहीं, सर्कुलर इसी तरीके से बनेगा ना। अब हम लोग इस साइड से देख रहे हैं, मतलब फ्रंट व्यू से। फ्रंट व्यू जब आप देखेंगे तो इस तरीके से सर्कुलेशन दिखेगी, स्पाइरल। ठीक है, तो यहां पर होगा क्या कि आपका एक बना होगा, ये बना होगा क्या, कोल्ड फ्रंट बना होगा कि नहीं बना होगा। सिमिलरली ऐसे ही यहां पर बना होगा वार्म फ्रंट, दिस इज वार्म फ्रंट, और यहां पर ही पूरा खेल हो रहा होगा इस तरीके से, ऐसे ही ना खेल हो रहा होगा, यहां से यहां निकल रही होंगी हवाएं। तो अब होगा क्या कि जहां पर इनका इन्फ्लुएंस है दिस जोन विल बी फ्रंटोजेनेसिस फ्रंटोलिसिस वाली प्रोसेस हो जाएगी यहां पर। तो इस तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहां पर ये जो पूरा का पूरा एरिया बना है, इसको मैं कलर कर देता हूं, ये पूरा एरिया बेसिकली आपका निकल के आ जाएगा एक फ्रंट फॉर्मेशन में, जहां पर बेसिकली बारिश होने वाली है। तो इसमें होगा क्या कि यहाँ पर अलग अलग क्लाउड्स बन जाएंगे, और क्लाउड्स भी किस तरीके से बनेंगे, ऑब्वियसली नीचे कौन सा बनेगा, क्यूमुलस टाइप का बनेगा, ये आपको अब आइडिया लग ही गया होगा क्यूमुलस। इसके जस्ट ऊपर में जो बनेगा वो बन जाएगा क्यूमुलो निम्बस बन जाएगा, फिर उसके ऊपर बनेगा क्यूमुलो स्ट्रैटस बन जाएगा, दिस इज क्यूमुलो स्ट्रैटस। ठीक है, इसके ऊपर में तो खैर ऑल्टस जो बनता है बनता ही है, उसके ऊपर में जो है सिरस जो बनता है बनता ही है, लेकिन इन दोनों को ज्यादा फिगर में लिया नहीं जाता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि ये बारिश नहीं कर रहे होते हैं, बारिश करने वाले यही क्यूमुलोनिम्बस क्यूमुलोस्ट्रैटस और क्यूमुलस क्लाउड्स ही होते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हम लोगों ने क्लाउड सिस्टम भी देख लिया, आइडिया लग गया क्या चीज है। आगे देखते हैं, द कोल्ड फ्रंट अप्रोच द वार्म एयर फ्रॉम द बिहाइंड एंड पुशेस द वार्म एयर अप, अगेन वही चीज, कोल्ड फ्रंट जो होती है वो वार्म फ्रंट को पीछे से धक्का दे रही है। एज अ रिजल्ट क्यूमुलस क्लाउड डेवलप अलोंग द फ्रंट, जो भी कोल्ड फ्रंट है, तो क्यूमुलस क्लाउड ऑलरेडी हम लोगों ने बना दिया है। द कोल्ड फ्रंट मूव फास्टर देन द वार्म फ्रंट, अल्टीमेटली ओवरटेकिंग द वार्म फ्रंट। The warm air is completely lifted up and the front is occluded and the cyclone dissipate. तो इस तरीके से पूरी की पूरी सिस्टम खत्म हो जाती है। The process of wind circulation both at the surface and aloft are closely interlinked. तो इस तरीके से कैसे ऊपर उठ रहा है, क्या हो रही है, ये सारी चीजें जो होती हैं बेसिकली इंटरलिंक होती हैं। So the temperate cyclone is intense frontogenesis involving many occlusion टाइप फ्रंट, मतलब कि चीजें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नॉर्मली इंडिविजुअल फ्रंटल साइक्लोन एग्जिस्ट फॉर अबाउट 3 to 10 डेज, मूविंग इन अ जनरली वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। प्रिसाइज मूवमेंट ऑफ दिस वेदर सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय ओरिएंटेशन ऑफ पोलर जेट स्ट्रीम एंड अपर ट्रोपोस्फीयर। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब हम लोग जरा आ जाते हैं कि आखिर में कौन से सीजन में क्या चीजें होती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो साइक्लोन हम लोगों ने बात किया है, जो टेम्परेट साइक्लोन के बारे में बात किया है, ये टेम्परेट साइक्लोन स्ट्रांग कब होंगी बताइए। हमें देखना है कि स्ट्रांग पोजीशन कब आ रही है। तो स्ट्रांग पोजीशन का मतलब क्या है कि जो भी फ्रंट बने हुए हैं ये स्ट्रांग फ्रंट बने, और हमें पता है कि फ्रंट कब स्ट्रांग बनेंगे, जब कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास ये दोनों स्ट्रांगली आए एक दूसरे के इंटरफेरेंस में। अब ये स्ट्रांगली कब आएंगे, देखिए वार्म वाली कंडीशन तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इक्वेटर से आ रही है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि ये तो हमेशा सूर्य की रोशनी इंसुलेशन ले रहा होगा। लेकिन कोल्ड एयर मास स्ट्रॉन्गर कब होगा, जब सीजन जो है वो विंटर का होगा, ठंड का मौसम होगा, तब ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा ऑब्वियसली। तो स्ट्रॉन्गर पोजीशन बेसिकली हमें इस साइक्लोन की देखने को मिलती है विंटर के सीजन में। तो विंटर के मौसम में हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन देखने को मिलती है, जिसके कारण से अब जरा यहाँ पर फिर से ध्यान देने वाली बात है, विंटर सीजन में हम लोगों ने मॉनसून में बात किया था कि यहाँ पर जो जेट स्ट्रीम होती हैं वो भी सरक करके नीचे आ जाती हैं, मतलब कि शिफ्ट होकर के वो नीचे आ जाती हैं। तो नीचे आने के कारण से अब होगा क्या कि यहाँ पर जो ये जेट स्ट्रीम पहले इधर कहीं चल रही थी, नाउ दे विल बी शिफ्टेड एंड इट विल मूव हियर। इस मूवमेंट के कारण से ऑब्वियसली यहीं पर तो आखिर में ये कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट जनरेट हो रही है। तो इस जेट स्ट्रीम के द्वारा इसको और ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन मिल जाएगी। कैसे मिलेगी जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मान लेते हैं ये वो जोन है जहां पर जो है कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास का इंटरेक्शन हुआ था और बेसिकली एक तरीके की टेम्परेट साइक्लोन जनरेट हुई थी। दिस इज द टॉप व्यू, ये जो है टॉप व्यू है और ये पूरा का पूरा हमारा जोन है जहां पर टेम्परेट साइक्लोन बना था। इसी का अगर हम लोग फ्रंट व्यू देखें तो फ्रंट व्यू में क्या होगा कि ये साइक्लोन यहाँ पर जनरेट होकर के रखी है, इस तरीके से जनरेट होकर रखी है। इसके अपर एयर सर्कुलेशन में जेट स्ट्रीम फ्लो कर रही है, जेट स्ट्रीम यहाँ पर जो है वो ब्लो कर रही है। जैसे ही जेट स्ट्रीम के संपर्क में ऊपर आएगा वैसे ही क्या होगा, ऑब्वियसली दिस प्रेशर विल बी लो प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ दिस लो प्रेशर अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड बाय द अपवर्ड सर्कुलेशन। जो भी ऊपर सर्कुलेशन हो रही है उसके ऊपर में ये अट्रैक्ट होती आएगी। जितना ज्यादा ये लो रहेगा उतना ज्यादा अच्छा सर्कुलेशन हमें देखने को मिलेगा। और हमें पता है कि ये जो साइक्लोन मतलब कि ये जो फ्रंट्स हैं ऐसा तो है नहीं जमीन पे ही बन रहे हैं, दिस हैज सम हाइट्स, इसकी कुछ हाइट होगी ऑब्वियसली। और अरे यही हाइट होती है ना तभी ना फॉगी कंडीशन बनती है, तो कुछ हाइट होगी एंड दिस हाइट विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस जेट स्ट्रीम और ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा होगा। हालांकि इसी में हम लोगों ने बात किया था ओमेगा ब्लॉक को लेकर के, बात की थी कि नहीं, ओमेगा ब्लॉक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो इस ओमेगा ब्लॉक के कारण से ट्रफ और जो ये अपलिफ्ट्स होती हैं, ये इस तरीके से जो चीजें आती हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन दे रही होती हैं। इस स्ट्रांग पोजीशन के कारण अल्टीमेटली ये जो फ्रंट फॉर्मेशन है या फिर जो टेम्परेट साइक्लोन है और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। और ये सारा हो कब रहा है, सब कुछ हो रहा है विंटर के मौसम में। समझ में आ गया, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब हम लोग जरा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। The temperate cyclone occur mostly in the winter, late autumn and spring. They are generally associated with rainstorm and cloudy weather. But this cloudy weather is not like बहुत तेजी से बारिश, intense rainfall नहीं होती है, shower type की rainfall होती है, हल्की फुल्की rainfall होती है। ठीक है, and this like आप ये बोल सकते हैं these are the water droplets हो जाते हैं। फिर आप कहेंगे नहीं हमारे इंडिया में तो बड़ा खतरनाक बारिश होती है। वो होती है एक्चुअली लोकल कंडीशंस की होने की वजह से। लोकल कंडीशंस इसको और ज्यादा मतलब मॉइस्चर दे देती हैं, बिकॉज ऑफ वॉट यहाँ पर चीजें जो होती हैं और ज्यादा इंटेंस हो जाती हैं। ड्यूरिंग समर द पाथ ऑफ टेम्परेट साइक्लोन शिफ्ट नॉर्थवर्ड, क्यों? क्योंकि अगेन जेट स्ट्रीम भी तो नॉर्थवर्ड है। देयर आर ओनली फ्यू टेम्परेट साइक्लोन ओवर सब ट्रॉपिक्स एंड warm temperate zone, although high concentration of storm occurring over Bering Strait, US and Russian Arctic and sub-Arctic zone। और ये सारी की सारी जो zone है वो cold air mass के ही पास में देखने को मिलती है। क्लियर हो गया क्या चीज है? ओके, US Canada और extend over Sierra Nevada, फिर Colorado, Eastern Canadian Rockies and the Great Lakes region। अगेन ये वही रीजन है जहां पर हम लोगों ने अभी बात किया था, ये हम लोगों ने बनाया था ना इस तरीके से, दिस इज आवर नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर। और ये जो रीजन है वो फ्लोरिडा का रीजन आ जाता है, यहाँ पर एप्लेशियंस आ जाती हैं। सीरिया नेवाडा, इधर सीरिया नेवाडा है, फिर उसके बाद से आपकी कोलोराडो, फिर ईस्टर्न कैनेडियन रॉकीज, दिस ईस्टर्न कैनेडियन रॉकीज यहाँ पर आ जाती हैं। और फिर उसके बाद से ग्रेट लेक्स, ये आपकी ग्रेट लेक्स है। तो यहाँ पर ही बेसिकली वो फ्रंट बना होता है, दिस इज द फ्रंट हियर, और यहीं वो पूरा का पूरा साइक्लोन जनरेट हो रही होती है, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी अभी देखा है पहले जब फिगर लेकर के आए हुए थे। बट इट द बेल्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम आइसलैंड टू बैरेंट्स सी एंड कंटिन्यूइंग ओवर रशिया एंड साइबेरिया, विंटर स्टॉर्म ओवर बाल्टिक सी। और ये वो रीजन्स है जहां पर अल्टीमेटली जो होती है पूरी कंडीशन जनरेट होती है। अल्टीमेटली ये जेट स्ट्रीम के संपर्क में आती हैं और साथ ही साथ में यहाँ पर वेस्टर्लीज ब्लो कर रही हैं, इस वेस्टर्ली के भी संपर्क में आ जाती हैं और ये मेडिटेरेनियन बेसिन से रशिया की ओर में मूव करना शुरू कर देती है और अल्टीमेटली इंडिया में भी आ जाती हैं, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट जो होती है हिमालय के नॉर्थ में चली जाती है और दूसरी हिमालय के साउथ में निकल जाती है। और ये हिमालय के साउथ वाली ही जो विंग आ रही है, दिस विंग ऑफ विंड अल्टीमेटली शावर इन इंडिया, जिसको कि हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर दो फोर्सेस हो जाती हैं, एक तो वेस्टर्लीज जो चल रही हैं, ठीक है, जो कह लीजिए कि जो है जो विंड चल रही है, और साथ ही साथ में जो ऊपर जेट स्ट्रीम चल रही है। जेट स्ट्रीम के कारण से अगेन एक इन्फ्लुएंस मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है, एक पाथ मिल जाता है। तो देख सकते हैं ये पूरा वो रीजन है जहां पर साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन बन रही होती हैं। साउथ में जनरली हम उतना ज्यादा फील नहीं कर पाते हैं और उसके पीछे रीजन केवल यही है कि यहाँ पर कोई कॉन्टिनेंट नहीं है जहां पर ये फील किया जा सके। लेकिन वही अगर नॉर्दर्न साइड में देखेंगे तो देयर आर मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स एंड मल्टीपल प्लेसेस वेयर पीपल एक्चुअली रिसाइड। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये वार्म एयर मास मिल रही है तो ऊपर ये कोल्ड एयर मास, और दोनों एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद अल्टीमेटली वेस्टर्लीज के संपर्क में आने के कारण से इस तरीके का इनका मूवमेंट हो जाता है। देख सकते हैं कि दीज ऑल आर मूविंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट एंड दैट इज बिकॉज कि यहाँ पर ये वेस्टर्लीज के ही संपर्क में आकर के रखी हुई है। समझ में आ गया क्या चीज है? अब आ जाते हैं हम लोग जरा एसोसिएटेड वेदर की, आखिर में इनका वेदर किस तरीके से होता है। ऑल्दो इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पर जो क्लाउड्स होते हैं वो क्लाउड्स जो है मल्टीपल लेवल पे बनते हैं। जैसे एक हो गया जो क्यूमुलस लेवल पे बनते हैं, फिर क्यूमुलो निम्बस लेवल पे भी बनते हैं, दिस इज क्यूमुलो निम्बस लेवल पे बनते हैं, फिर क्यूमुलो स्ट्रैटस लेवल पे भी बनते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इंटेंस नहीं होने वाला है, यहाँ पर जो होने वाली है वो शावर होने वाली है, और शावर के लिए ऑल टाइप ऑफ क्लाउड इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट हियर, ठीक है। दूसरा, ये सीजन हो रही है, विंटर का सीजन हो रहा है। इस विंटर के सीजन में अगर इंडिया पे इन्फ्लुएंस के बारे में बात करेंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में निकल करके आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। द अप्रोच ऑफ स्टैमफोर्ड साइक्लोन इज मार्क्ड बाय फॉल इन टेम्परेचर, फॉल इन मर्करी लेवल, विंडवर्ड शिफ्ट एंड इस तरह से चीजें आ जाती हैं। और यहाँ पर ये जो चीज आती है, जो प्रेशर में डिफरेंस आता है, वो प्रेशर में डिफरेंस बेसिकली फ्रंट के कारण से आता है, क्योंकि जो फ्रंट होता है उसमें होता है एयर मास, और एयर मास जो होता है वो यूनिफॉर्मिटी रहती है, या फिर बोल सकते हैं होमोजीनियस सरफेस होता है, जहां पर एक प्रेशर जो है वो कांस्टेंट बना होता है। तो ये कांस्टेंट प्रेशर दूसरे कांस्टेंट प्रेशर के साथ जब संपर्क में आएगा, ऑब्वियसली देयर विल बी अ ग्रेडियंट, एक ग्रेडियंट आ जाएगा, या बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक एनोमली जनरेट हो जाएगी प्रेशर की, जिसके कारण से अल्टीमेटली सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। लाइट ड्रिजल फॉलोज व्हिच टर्न इनटू अ हैवी डाउनपोर, दिस कंडीशन चेंज विद द अराइवल ऑफ फ्रंट वार्म फ्रंट व्हिच हॉल्ट्स द फॉल इन मर्क्यूरी लेवल एंड राइजिंग टेम्परेचर, रेनफॉल स्टॉप्स एंड क्लियर weather prevail until the cold front of an anticyclonic character arrive, which causes a fall in temperature, brings cloudiness and rainfall with thunder. After this, once again clear weather is established. क्लियर हो गया क्या चीज है. लास्ट वाली लाइन अगेन जो होती है वो सेम टाइप की है. यहाँ पर देख लीजिए कि टेम्परेट साइक्लोन एक्सपीरियंस मोर रेनफॉल व्हेन देयर इज अ स्लोअर मूवमेंट. ऑब्वियसली स्लोअर मूवमेंट रहेगा तो इंटरैक्शन जो है काफी ज्यादा टाइम के लिए रहेगा और रेनफॉल भी उतनी ही ज्यादा टाइम के लिए होगी. एंड द मार्क डिफरेंस इन रेनफॉल एंड टेम्परेचर बिटवीन द फ्रंट एंड रियर ऑफ द साइक्लोन. दीज साइक्लोन्स आर जनरली अकम्पनीड बाय एंटी साइक्लोन्स. क्लियर हो गया. तो ये थी हमारी पूरी की पूरी डिस्कशन टेम्परेट साइक्लोन से रिलेटेड. आइडिया एक लग गया होगा और चीजें क्लियर भी हो गई होंगी. और ज्यादा क्लियर करने के लिए हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन टेम्परेट साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन. डिफरेंस से आपको एक और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, दोनों को आपस में कंपेयर करने का मौका मिल जाएगा. तो सबसे पहला यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं और इसी पॉइंट के बेसिस पे हम लोग इस बॉक्स को फिल करेंगे. तो फटाफट देखते हैं. ओरिजिन के बारे में बात करेंगे. अगर टेम्परेट ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होता है, थर्मल कंडीशंस होती हैं जो इसको ओरिजिनेट कर रही होती है. थर्मल कंडीशन का मतलब ऑब्वियसली लो प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है और लो प्रेशर के कारण से अल्टीमेटली यहाँ पर चीजें बन रही होती हैं. इसके कंडीशन के बारे में हम लोगों ने देखा था कि सी सरफेस टेम्परेचर जो होना चाहिए वो मोर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड या नियर अबाउट 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए. लार्ज वाटर बॉडी होनी चाहिए और कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए. तो ये हम लोगों ने कंडीशन देख लिया था. टेम्परेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर बेसिकली होती है फ्रंट फॉर्मेशन के कारण से. यहाँ पर जो जरूरी चीज है वो है वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट का बनना, यानी कि बेसिकली यहाँ पर क्या है, एयर मासेस का आना. तो बेसिकली ये एयर मासेस है. तो इस तरीके से बोल सकते हैं द कंडीशन इज द डायनामिक कंडीशन हियर. तो डायनामिज्म है, यहाँ पर मूवमेंट है बेसिकली. समझ में आ गया. लैटिट्यूड के बारे में बात करें तो दिस इज बेसिकली 5 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में ये फैला होता है क्योंकि इसको चाहिए होता है ट्रॉपिकल एरिया. तो इस तरीके से ट्रॉपिकल एरिया एंड दैट इज व्हाई नेम आल्सो रिफ्लेक्ट्स ट्रॉपिकल साइक्लोन. टेम्परेट साइक्लोन अगेन ये टेम्परेट एरिया चाहिए होता है, मतलब कि 35 टू 40 डिग्री से 66 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में ये पाया जाता है. तो अगेन दिस इज द टेम्परेट एरिया एंड अगेन द नेम रिफ्लेक्ट्स हियर. समझ में आ गया. नेक्स्ट इज द फ्रंटल फॉर्मेशन. यहाँ पे फ्रंट का कोई मतलब है क्या? नो, कोई मतलब नहीं यहाँ पर. लेकिन यहाँ पे यस, बेसिकली ये फ्रंटल सिस्टम है. यहाँ पर फ्रंटोजेनेसिस और फ्रंटोलिसिस, यही तो प्रोसेस ही होती है. दिस इज द बेसिकली प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन. फॉर्मेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर क्या होती है कि लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है बीच में एंड हाई प्रेशर अल्टीमेटली इस एरिया को फिल करने के लिए आती हैं और इस हाई प्रेशर के कारण से अल्टीमेटली कोरियोलिस फोर्स लग जाता है और यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो जनरेट हो जाती हैं. जबकि यहाँ पर क्या होता है, कोल्ड फ्रंट बनता है एंड देन वार्म फ्रंट बनता है और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक सर्कुलेशन जनरेट हो जाती है. तो इस कारण से यहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन बन जाते हैं. दोनों में आप अंतर देख सकते हैं. दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द टेम्परेट साइक्लोन. सीजन के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली ये जो सीजन होती है वो जुलाई से लेकर के नवंबर के बीच में आती है. चाहे वो अरेबियन सी में आ रहा हो, चाहे वो आपका बे ऑफ बंगाल में आ रहा हो, तो दोनों साइड से यहाँ पर जुलाई से लेकर के नवंबर के बीच में देखने को मिल जाता है. टेम्परेट साइक्लोन के बारे में बात करेंगे तो दिस इज बेसिकली विंटर सीजन फिनोमिना, विंटर सीजन. लेकिन अगर कहेंगे कि होता कब है तो ये देखिए थ्रू आउट द ईयर होगा. दिस इज थ्रू आउट द ईयर. अरे पोलर एरिया खत्म तो नहीं हो जाएगा गर्मी में. गर्मी में पोलर वाला ऐसा तो है नहीं कि टेम्परेट या ट्रॉपिकल में बदल जाएगा. So this is going to be throughout the year, but intense temperate cyclone will generate in the winter season. Clear? Size के बारे में बात करेंगे तो देखिए इसकी साइज जो होती है वो स्मॉलर होती है. स्मॉलर का मतलब देखिए 500 टू 600 किलोमीटर के बीच में इसको देखने को मिल जाती है. लेकिन टेम्परेट साइक्लोन मोर देन 1000 किलोमीटर देखने को मिलेगा बिकॉज दिस हैज अ जोन, और वो भी कौन सा जोन, टेम्परेट जोन है बेसिकली ये. दिस इज टेम्परेट जोन और बिकॉज ऑफ दैट ये काफी ज्यादा लंबी होती है, काफी ज्यादा लार्जर साइज होता है इसका. समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं. नाउ द शेप के बारे में बात कर लेते हैं. शेप अगर देखेंगे तो दिस इज बेसिकली लाइक दिस, कि यहाँ पर बीच में जो होता है एक आई रहती है, साइड साइड में आई वॉल होता है. इस आई वॉल के बाद अल्टीमेटली यहाँ पर क्लाउड जो होते हैं वो आ जाते हैं और इस तरीके से बेसिकली इसका शेप होता है. टेम्परेट साइक्लोन में बात करेंगे तो दिस इज बेसिकली अ जोनल फिनोमिना, जहां पर हमें एक कंडीशन ऐसी देखने को मिलती है जो इस तरीके से बना रहा होता है। तो दिस इज बेसिकली द फ्रंटल शेप आप बोल सकते हैं। यहाँ पर कुछ खास शेप नहीं होती है, फ्रंटल शेप होती है। रेनफॉल के बारे में बात करेंगे तो दिस इज इंटेंस रेनफॉल यहाँ पर होती है। इतनी ज्यादा रेनफॉल होती है कि फ्लडिंग कंडीशन जनरेट हो जाती है। जबकि यहाँ पर क्या होती है, दिस इज बेसिकली द शावरिंग पार्ट। यहाँ पर शावरिंग होती है या अधिक से अधिक थोड़ी मोड़ी इंटेंस रेनफॉल, मतलब शॉर्ट इंटेंस रेनफॉल होती है। हल्की फुल्की रेनफॉल हो गई तो हो गई, अदरवाइज कुछ खास रेनफॉल नहीं होती है। दिस इज वेरी, इनफैक्ट ये बोल सकते हैं कि ये जो होती है वो डिजास्ट्रस होती है, और जबकि ये गुड होती है, मतलब प्रोन होती है, प्रोन टू द वीट कल्टीवेशन। वीट कल्टीवेशन के लिए, गेहूं उगाने के लिए काफी अच्छी होती है। विंड वेलोसिटी एंड डिस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होती है, विंड बहुत ज्यादा स्पीड में होती है, मतलब 150 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड होती है, और ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। दिस इज वेरी डिस्ट्रक्टिव। जबकि यहाँ पर नॉर्मल एयर रहती है 50 टू 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब हवा तो चलेगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर जो होता है मूवमेंट, प्रेशर एनोमली जहां क्रिएट होगी वहां पर हवा तो तेज चलने ही वाली है, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। तो दिस इज डिस्ट्रक्टिव, नो दिस इज नॉट डिस्ट्रक्टिव। लाइफ टाइम के बारे में बात करें तो ये शॉर्ट इंटरवल होता है। शॉर्ट इंटरवल का मतलब हो गया कि ये मैक्सिमम 3 to 5 days के नियर अबाउट में ये रहती है, जबकि यहाँ पर मिनिमम 2 से 3 वीक के बीच का फिनोमिना है, क्योंकि यहाँ पर पूरी प्रोसेस जनरेट होने और डिसिपेट होने में विल टेक टाइम। पाथ के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिल जाता है बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। तो राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिलता है, उसके पीछे दो रीजन है, एक कोरियोलिस फोर्स रीजन है और दूसरा ट्रेड विंड्स है। दो भी रीजन है, ट्रेड विंड्स, और अल्टीमेटली इंडिया को स्ट्राइक कर जाती है ये। जबकि यहाँ पर मूवमेंट देखेंगे तो बेसिकली क्या है, वेस्टर्ली मूवमेंट है ये पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्ली विंड्स ब्लो कर रही होती है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर जो होती है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा शार्प देखने को मिलता है। यहाँ पर भी शार्प देखने को मिलता है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि अगेन कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास, टेम्परेचर तो शार्प देखने को मिलेगा ही। लास्ट पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं, कामलेस रीजन। यहाँ पर देखिए आई जो होती है वो काल्म होती है, जबकि आई वॉल जो होती है वो सबसे ज्यादा स्टॉर्मी होती है, मतलब यहाँ पर सबसे खतरनाक कंडीशन होती है। जबकि टेम्परेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज काल्म रीजन, नथिंग कॉल्ड एज काल्म रीजन, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। ड्राइविंग फोर्स के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स क्या है, दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ व्हाट, कंडेंसेशन, या फिर बोल सकते हैं दिस इज अगेन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दोनों ही केसेस बोल सकते हैं आप वेपराइजेशन। जबकि यहाँ पर जो आपकी टेम्परेट साइक्लोन में क्या है, दिस इज द प्रेशर और टेम्परेचर एनोमली, दिस इज द प्रेशर और टेम्परेचर एनोमली, ठीक है, या फिर ग्रेडियंट भी आप इसी को बोल सकते हैं। एनोमली मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है, बस सिंपल, ठीक है। क्यों आई? क्योंकि कोल्ड एयर अपनी इसकी टेम्परेचर और प्रेशर है, वार्म एयर इसकी अपनी टेम्परेचर और प्रेशर है, और दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है। फिर उसके बाद से इन्फ्लुएंस ऑफ जेट स्ट्रीम, क्या यहाँ पर कोई जेट स्ट्रीम का प्रभाव है क्या? नहीं, कोई भी जेट स्ट्रीम का प्रभाव नहीं है। दिस इज ओनली कह सकते हैं कि एक कंडीशन है जो चल रही है, दोनों इंडिपेंडेंटली आपस में घूम रही है, बट इसका कोई संपर्क नहीं आ रहा है। समटाइम्स अपर एयर सर्कुलेशन जो होती है वो इसको इंटेंसिफाई जरूर करती है, क्योंकि ऊपर में अगेन अगर ट्रफ बना हुआ है, लो प्रेशर बना हुआ है, तो इट विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर एयर इन द अपर एयर सर्कुलेशन, लेकिन फॉर्मेशन में इसका कोई भी रोल नहीं है। लेकिन जेट स्ट्रीम में, टेम्परेट साइक्लोन में यहाँ पर रोल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जेट स्ट्रीम अगर स्ट्रांग रहेगी तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू जनरेट अ स्ट्रॉन्गर टेम्परेट साइक्लोन। ऑलरेडी हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा। क्लाउड के बारे में बात करें तो यहाँ पर बनती है क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस मेनली क्यूमुलोनिम्बस होती है, क्योंकि यहाँ पर इंटेंस रेनफॉल करना होता है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्यूमुलस भी होती है, क्यूमुलो निम्बस भी होती है, साथ ही साथ में दिस इज निम्बस, साथ ही साथ में क्यूमुलो स्ट्रैटस भी होती है। तो सब हर तरीके की यहाँ पर पाई जाती है। दिस इज नॉट नॉर्मल फिनोमिना एंड ऑल द टाइप ऑफ क्लाउड्स फॉर्म हियर। जबकि इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया के बारे में बात करें, दिस इज हाई मतलब कि डिस्ट्रक्शन, खतरनाक, तैयारी करनी पड़ती है, वार्निंग सिस्टम लगाना पड़ता है, लोगों को हटाना पड़ता है, लेकिन टेम्परेट में एकदम बेहतरीन, मजा आ जाता है। क्यों मजा आ जाता है? क्योंकि कल्टीवेशन तगड़ी हो जाती है। दिस इज वेरी गुड इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन सॉइल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिकली अपना आज टेम्परेट साइक्लोन और इनफैक्ट साइक्लोन की सारी कंडीशंस को डिस्कस कर लिया। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लाइमेट वीडियोस के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।